नमस्कार। अब हम जिस प्रश्न पर चर्चा करेंगे वह है सीटेट नवंबर 2012 में आया हुआ प्रश्न, और यह 6 to 8 में आया हुआ प्रश्न है। यह प्रश्न इस प्रकार है कि एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए। एकल अभिभावक आप समझ रहे हैं, सिंगल जो पेरेंट्स होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है आपका, स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है आपका, इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। चौथा आपका जो प्रश्न का ऑप्शन दिया गया है वहाँ पे, ऐसे बच्चों को कम गृह कार्य देना चाहिए क्योंकि इनके अभिभावक एकल होते हैं और कम ध्यान दे सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है, पहले तो ये क्षेत्र समझिए कहाँ से है। तो ये आपका समावेशी शिक्षा का क्षेत्र है, एकदम ध्यान से समझिएगा। समावेशी शिक्षा में हर प्रकार के बालक आ जाते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी विशेषता है, तो वो सारे बालक क्या होंगे, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आएंगे। तब इस प्रकार से सोचते हुए आप जो इसका आंसर है वो दीजिए। तो स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना, ठीक है, स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना क्या है, उस बच्चे के साथ सही होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस तथ्य को अनदेखा करना, किस तथ्य को, कि उसके अभिभावक एकल हैं और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना जैसा कि सबके साथ करते हैं, ये हो सकता है। तीसरा है आपका, इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना। भाई, इनके अभिभावक एकल है तो आप कर सकते हैं, हाँ, टीचर होके आप सोचिए, विचार करिए। चौथा क्या है, ऐसे बच्चों को कम गृह कार्य देना क्योंकि इनका अभिभावक एकल है, तो आपके मन में आएगा कि हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम कर देनी चाहिए। तो देखिए, हम सोचते ऐसे ही हैं जब ऑप्शंस आते हैं, लेकिन सही क्या होता है, तो इसके पीछे कोई ना कोई सिद्धांत है, और इस प्रश्न के पीछे समावेशी शिक्षा का सिद्धांत। जब हम दिव्यांगों को, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को एक साथ पढ़ा सकते हैं एक ही कक्षा में, तो क्यों हम भिन्न व्यवहार करें? तो यहाँ पे जो आंसर है आपका वो है बी, कि इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर अभिभावक एकल है तो बच्चे की योग्यता पर या उसकी क्षमताओं पर या उसकी IQ पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात हमें इन बच्चों के साथ एक समान ही व्यवहार करना चाहिए और इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए। क्योंकि अक्सर आ जाता है दिमाग में कि इसके पेरेंट्स एक ही हैं, सिंगल हैं, तो अगर अध्यापक उसको ज़्यादा हाईलाइट करता है तो भी बच्चे को प्रॉब्लम होती है, इग्नोर करेगा तो भी प्रॉब्लम है, अर्थात इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान ही व्यवहार करना चाहिए।